भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा इंदिरा कॉलोनी में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए गए। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को बाड़मेर में कांग्रेसी कार्यकर्ता उन्होंने याद कर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं राजीव गांधी की पुण्यतिथि को कांग्रेस जनों ने सेवा कार्य के रूप में मनाया। शहर के इंदिरा कॉलोनी में कांग्रेस पदाधिकारियों की उपस्थिति में पार्षद सिकंदर खिलजी द्वारा जरूरतमंद परिवारों को रसद सामग्री के किट वितरित किए गए। इस दौरान पार्षद महावीर जैन, ठाकरा राम माली, नरेंद्र मेघवाल, पूर्व पार्षद नरेश देव सहारण, तरुण सिंधी, हितेश तापड़िया ने भी राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं मौजूद कांग्रेस जनों ने राजीव गांधी के बताए मार्गों पर चलने की बात कहते हुए उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने की शपथ ली। इसी तरह नंदी गौशाला में भी राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जहां नगर परिषद सभापति दीपक माली, पूर्व उप सभापति चैन सिंह भाटी, कांग्रेस प्रवक्ता यज्ञदत्त जोशी, मुकेश जैन समेत कांग्रेस जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर राजीव गांधी को याद किया और उनके नक्शे कदम पर चलने की बात कही।